हेलो नमस्ते सलाम अलैकुम, आप सभी का सबका स्वागत है हमारे डे वन के व्लॉग में। आपको तो टाइटल लेकर पता चल ही गया, आज से हम चैलेंज करने वाले हैं। चैलेंज रहेगा हमारा 500 डे हम व्लॉग करने वाले हैं। आज डे वन है व्लॉग का, सो लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि हम ये चैलेंज कर पाते कि नहीं कर पाते। अभी अभी उठा हूँ सुबह के 6 बजे अभी, तो भी फ्रेश होएंगे। इसके बाद पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैं पूरा दिन क्या करता हूँ, ठीक है। तो अभी तहज्जुद का टाइम हो रहा, तो इससे पहले मैं वजू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूंगा, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वहाँ तक के लिए रुको। तो अभी देख सकते हैं 5:52 हो चुकी है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं तहज्जुद की नमाज, इसके बाद फिर हम चाय नाश्ता करेंगे और पूरा दिन जैसे एक्सप्लोर करने के लिए है व्लॉग। तो कनेक्ट रहिएगा, स्टे सेफ, गुड नाइट। अब नमाज पढ़ते, टाइम हो रहा है, ओके। एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। तहज्जुद की नमाज़ हो गई, अब हम फ्रेश हो गए, तो अब दाँत घिसने आएंगे। इसके बाद हम थोड़ी पेट पूजा के लिए मलाई खाते रोज, तो ले दाँत तो घस लिए, तो अब हम थोड़ी पेट पूजा के लिए हमेशा हम मलाई खाते, ये ले सकते। मलाई में पहले मैं खाता नहीं था, लेकिन ये नए साल से मैं खाना शुरू किया है, वरना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पहले। देख सकते हो ये मलाई, तो इसको ये मलाई को मैं ऐसे निकालता हूँ, टूट जाएगा, टूटेगी, टूट मत। ये सीधा इसके ऊपर, ये बाकी का बचा इसको भी लेते हैं, ये सीधा इसके ऊपर गुजर गया था। और लिए चलिए सीटमेंट में बताऊँ पहले कि बाहर का माहौल कैसा लगता है। सुबह 6 बजे, ठीक है, मम्मी पापा सो रहे, पता नहीं ये लोग बात बात पे लड़ा करते। ये सुबह 6 बजे का माहौल यहाँ का, और ये कुत्ते पता नहीं बार बार ये अजान का टाइम पे लड़ा करते, इसका मतलब क्या होता है वो तो मुझे भी आज तक तो पता नहीं चला, पर उससे अपनों को लेना लेना नहीं है, बात वो है जो इसके लिए अपना कोई इम्पोर्टेंट देते भी नहीं लोग। जो लाइफ में इम्पोर्टेंस पे खाली फोकस करो भाई। और ये रहा मेरा पीसी, इसे मैंने बाहर रखा है अभी के लिए, नॉर्मली यूज करने के लिए। अभी अजान हो चुकी है, तो हम निकलने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा लेता हूँ ये मेरा स्कार्फ, जो मुझे फेस कवर करने के लिए बहुत काम आती है। सेकंड रूमाल, और थर्ड है सॉक्स। कहाँ है सॉक्स? अरे वो वाले नहीं है, मैं हमेशा ब्लैक वाले पहनता हूँ, लेकिन वो नहीं है। 10 मिनट तक वेट करेंगे, इसके बाद देन उठे निकल जाएंगे बाहर। या हमेशा मैं इस तरह पहनता हूँ उसे, जिससे ये कवर हो जाता है, एंड देन ऐसा। मैं बेसिकली इसीलिए करता हूँ क्योंकि
मेरी स्किन बहुत ही तुम कह सकते हो कि जल्दी से सन लाइट को ये कैप्चर कर लेती है, जैसे कि मेरी स्किन काली पड़ जाती है तुरंत ही, बाकी लोगों की नहीं होती, पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है। लेकिन सर सनलाइट की जरा भी मेरे पास ये आती है तो मेरी स्किन तुरंत काली पड़ जाती है वो साइड से, तुरंत ही 2 मिनट के अंदर वो पूरी काली पड़ेगा अगर मैं ऐसा सनलाइट में बाहर निकलूँ तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये पहन लेता हूँ। आती फेरी मैं बेसिकली अभी ये टाइम पे निकलता हूँ और 2 बजे आ जाऊँगा फिर से घर, तो 2 बजे आने के टाइम पे वे टाइम भी पूरा पहन लेता हूँ फिर से, और अभी ठंड की वजह से ठंड बहुत बाहर। जहाँ हम सुबह पूरा माल सामान लेके आते एंड देन ये रही सुबह जो हम पूरा माल सामान लेके आते और ड्रॉप करते, फिर हम सीधा चले जाएंगे 2 बजे घर, तो सीधा तभी व्लॉग करेंगे। अभी यहाँ व्लॉग करके अच्छा नहीं लगेगा, तो वो हिसाब से 2 बजे डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है, और बहुत सारी बातें करनी है। बाय। तो अभी हम सीधा घर के लिए निकल ले, तो ये मैंने मास्क पहन लिया अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो अब सीधा मैं घर में ही मिलता हूँ, ठीक है, सीधा घर जाते हैं अब, ठीक है। तो अभी अभी हम घर आए, अभी फ्रेश हुए, मुँह हाथ धोए और अब दोपहर का खाना होगा, उसके बाद हम करने वाले हैं, हाँ उसके बाद मुझे एक सॉफ्टवेयर लेना है जो कंप्यूटर पे एडिटिंग के लिए, जो ब्लॉग अभी सब कर रहा हूँ उससे एडिटिंग तो करना पड़ेगा, तो इसको अभी परचेस करूँगा। इसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाएगी, फिर शाम को देखते हैं। अभी तो खाना पकाएगा, खाए बाद हम इंस्टॉल करेंगे वो सॉफ्टवेयर। ऑल टाइम फेवरेट मूवी है, पता नहीं कितनी बार आती है, हर बार मैं देखता हूँ, हर बार देखने में मज़ा आता ना, ऐसा लगता है कि पहली बार ही देख रहे, ऐसा लगता है। देखो ड्रीम कर, मज़ा आया थी देख के, माइंड फ्रेश हो गया था, हद कर रहे मज़ा आया थी। तो अब दोपहर हो गए, खाना वाना खा लिया, तो सीधा हम अभी के लिए सो जाएंगे, शाम को पूरा सब काम करेगी, जो एडिटिंग का काम करना है, व्लॉगिंग का काम है और गेमिंग का जो सब काम है वो सब शाम को ही करेगी। अभी थोड़ी देर के लिए सो जाते, बॉडी को आराम देते, तो शाम को ही मिलते हैं। बाय। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, अभी शाम के 6 बज गए, मीन 6:30 बज गए, 6:30 बजे और मैं उठा हूँ, और जस्ट हम अपना पीजी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हमें लेना है, सॉफ्टवेयर है कौन सा, वो एडोबे, हाँ एडोबे एक्सप्रेस एडिटिंग के लिए। पहले था हमारा और वो अपने क्या कहते हैं फिल्म हो रहा, वंडरफुल फिल्म हो रहा, ये सॉफ्टवेयर था हमारे पास, लेकिन अब मैं दूसरा वो ट्राई करने वाला हूँ, तो वो हिसाब से मुझे एडोबे लेना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ी प्रोसेस लगेगी। ये देखो थोड़ा ट्यूटोरियल चेक कर रहा हूँ, फिर आगे लिखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं, अभी थोड़ा एडिटिंग थोड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि ये ट्रायल है, अगर परफेक्ट रहा तो हम ज़रूर इसको परचेस कर लेंगे। देख सकते हैं एडोबे एक्सप्रेस, इस पर मैं अभी थोड़ा ट्रायल ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है कि ये सॉफ्टवेयर भी कैसा है। मेरे पास ऑलरेडी पहले वो था वंडरफुल फिल्म वाला जो था, मतलब नॉर्मल था वो, एडिटिंग करने के लिए बहुत अच्छा था वो, तो फिर मैं कुछ नया ट्राई करने वाला, तो वही हिसाब से मैं एडोबे एक्सप्रेस ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये सही निकला
तो हम ये परचेस कर लेंगे। अगर नहीं निकला तो फिर पीछे मुझे फिल्मोरा लेना पड़ेगा, इसलिए तो वहाँ उसमें तो मुझे सभी आते हैं। एंड दूसरी बात तो ये है कि कल ही मैंने पूरा उसको डिलीट मारा है। कल ही कितने 70 के 80 GB का स्टोरेज था उसका, मैंने कहा खाली पड़ा है तो फिर उससे अच्छा मैं डिलीट मारता हूँ, तो सीधा डिलीट ही मार दिया। आज मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि डिलीट क्यों मारा मैंने। अगर होता तो इजीली मुझे वो पूरा सॉफ्टवेयर मिला कि जो पुराने मैंने वीडियो एडिट करे थे ना, वो भी सब सारे आया थे, फिर एलिमेंट, फिर मीडिया टेम्पलेट्स जो डाउनलोड करा ना वो भी आया थे आराम से, लेकिन अब नहीं आएगा, पूरे डाउनलोड करना पड़ेगा अब तो। अरे बाप रे ये क्या हो गया, वो एक मिनट का है भाई। देखो ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो है S12 का इवेंट हुआ था जो बेंगलोर में, वहाँ मैं गया था, इन्वाइट किया गया था। ये देख सकते हो, ये स्काउट रेगा मामा मर्सी कृतिका सब ये आए थे। देख सकते हो हमने सक्सेसफुली फिल्मोरा फिर से ले लिया है। क्या करें यार, वो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ दिक्कत वाला दे रहा था, तो वो हिसाब से मैंने एडो पे लिया नहीं, कि यही फिर से परचेस कर लिया जो 715 में मुझे ये परचेस ऑफर मिली मुझे, तो क्योंकि मैंने पहले लिया था तो वो हिसाब से मुझे ऑफ़र मिली तो ले लिया। अब आते हैं हमारे बात पे कि हम क्या करते हैं क्या नहीं, मेरा नाम क्या है। तो सबसे पहले मेरा नाम है, रियल नेम है शेख गुलाम हुसैन, जो मेरा रियल नेम है, और निक नेम है मेरा फेजू, जो काफ़ी सभी लोग मेरे को फेजू नाम से याद करते हैं, बुलाते हैं, याद तो करते कि नहीं करते वो अल्लाह जाने, लेकिन बुलाते तो फेजू से ही है। और रही बात लुमोरो की, लुमोरो की थोड़ी मैं बाद में बता देता हूँ, पहले फिर फेजू की बात बता रहा हूँ। फेजू नाम ऐसा पड़ा कि हर जगह कहीं भी स्कूल हो, ट्यूशन हो, मदरसा हो, कहीं भी हो, हर लोग मुझे फेजू नाम से बुलाते। अगर कोई भी मुझे गुलाम हुसैन कहकर बुलाता ना तो ऐसा अनोइंग फील होता है कि जैसे कि कोई दूसरे को बुला रहा है। एक्चुअली बुलाते मुझे ये, लेकिन नाम ऐसा फेजू फेजू रह गया तो वो हिसाब से थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, लेकिन अनकम्फर्टेबल नहीं कह सकते, लेकिन क्यों न्यूली लगता है कि भाई शॉक हो जाता वो टाइम पे कि मुझे बुला रहा है मेरे नाम से, खुद के रियल नेम से। तो ये रही नाम की बात, अब लुमोरो की बात करते हैं। लुमोरो नाम कैसे पड़ा, अब कोई भी इंडिया का कोई भी यूट्यूब मतलब कोई भी क्रिएटर या फिर गेमर यूट्यूब में घुसता है, यूट्यूब पे ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले एक ही चीज़ होता है कि नाम क्या रखना है। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैंने यूट्यूब मैंने यूज़ शुरू कर दी, तो वो हिसाब से मैंने भी यही करा था कि मैं अपना नाम क्या रखूँ, सबसे यूनिक होना चाहिए नाम। हर कोई प्लेयर या फिर गेमर क्रिएटर अपने नाम को सबसे यूनिक रखना चाहते हैं, जिससे वो उसकी पहचान बने और नाम बने। मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही थॉट सोच के मैंने अपना नाम, बहुत सारे नाम मैंने लिखे थे बनाए थे जैसे वैसे करके, तो फिर लास्ट में मेरा नाम लुमोरो बना। और लुमोरो का रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, 2 मिनट। हाँ तो अब आते हैं लुमोरो के नाम के। अब लुमोरो का मतलब होता है, एक मिनट, हाँ तो लुमोरो का मतलब होता है, जो मेरे पहले वाले सब्सक्राइबर है, पहले वाले बोल तो जो दूसरे सब्सक्राइबर है उनको तो डेफिनेटली पता होगा कि मेरा नाम का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने उन लोगों को बताया था और उन लोगों ने मतलब कंटेंट देखा था मेरा लुमोरो का। तो बेसिकली लुमोरो जो नाम है वो 3 नाम से डिवाइडेड है, एक है लकी LUCKY लकी, फिर दूसरा है मनी, थर्ड है रॉकी। ये 3 नाम से मैंने अपना नाम बनाया था, और 3 नाम ये क्यों रखा था, अब उसका रीज़न ये है कि पहले मैं जब यूट्यूब पे शॉर्ट्स में अपने ये करा ज्वाइन करा था, तो मैंने अपने 3 कंटेंट लगे 3 अलग अलग फेसेस से कंटेंट बनाना था, एक रॉकी नाम से, एक लकी नाम से, एक मनी नाम से, जो
अलग अलग कंटेंट बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने, करीब 9-10 नहीं एक साल ऊपर मैं पूरा कंटेंट बनाया करा, लेकिन हो नहीं पाया वो। तो उस हिसाब से मैंने अपना कंटेंट बनाया लिखा, तीन बेस्ट फ्रेंड के नाम से था, एक लकीरा, मनीरा एंड रॉकी था। ये तीन हिसाब से मैंने नाम सोच के मैंने तीनों का नाम रखा था, और ये तीन नाम में से मैंने अपने रियल नेम लोगों मैंने निकाला था, लकी का एलियो, मनी का एमओ और रॉकी का आरओ। तो वो हिसाब से लू मोरो, तो वो हिसाब से मैंने नाम बनाया था। तो सबसे यूनिक था ये नाम, ये पूरे कई जगह ये नाम था नहीं, पूरे मैंने सब जगह सर्च कर लिया, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये नाम सर्च करा, किसी के पास था नहीं ये, और फाइनली फिर मैंने ये नाम रख लिया। तो बस यही है आज का ब्लॉग, आज का दिन का ब्लॉग, तो अब यहीं पर हम ख़त्म करते हैं ब्लॉग। और आज बहुत सारी मैंने गलतियाँ करी कि ब्लॉगिंग में, तो इसलिए मुझे माफ़ करें, क्योंकि पहला दिन एक मुझे ज़्यादा, क्योंकि आज का पहला ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, आज का पहला दिन है, तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी कि मतलब ब्लॉगिंग में या फिर कुछ बातों में या फिर कुछ मैं बराबर से बोल नहीं पाता, ये मेरा वीकनेस है मेरी, मैं कोई के सामने बराबर बोल नहीं पाता और स्पेशली तो कैमरे के सामने ज़रा भी नहीं बोल पाता। तो कुछ भी गलती हो गई उससे मुझे माफ़ करना, मैं बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का शुरुआत नए ब्लॉग के साथ हम करेंगे। अभी के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।